गंजे सिर पर भी बाल उगा देगा ये पौधा, लाखों की दवाई भी फेल है, इसके आगे धरती का अमृत है। कहीं मिल जाए तो अपने पास रख लेना, छोड़ना नहीं। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विशेष चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम खास फूस के साथ उत्पन्न होने वाले एक ज़बरदस्त जड़ी बूटी के बारे में आपको बताएंगे, जिसका नाम है दूती। कुदरत का खजाना अनमोल और असीमित है। इसमें अनेक प्रकार के चमत्कारिक और दिव्य जड़ी बूटियाँ उत्पन्न होती है, जिसकी ज़्यादातर लोगों को पहचान नहीं होती या इसके गुणों को नहीं जानते। दूधी भी इसमें से एक ऐसा ही पौधा है जो छोटा सा एक सूप होता है और ये कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने की एक रामबाण जड़ी बूटी है। दोस्तों, ये दूध ही भारत में लगभग सभी प्रांतों में सड़कों के किनारों पर तथा बेकार पड़ी भूमि में उत्पन्न होती है। ये खेतों में खरपतवार के रूप में पाई जाती है। दोस्तों, दूधी की दो से तीन प्रजातियां पाई जाती है, एक छोटी और दूसरी बड़ी। दोनों का गुणधर्म लगभग एक समान ही होता है। वीडियो की स्क्रीन पर जो आप ये पौधा देख रहे हैं, ये बड़ी दूधी का पौधा है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस पौधे की किसी भी शाखा को तोड़ने पर दूध निकलता है। हिंदी में दूधी, दुग्धी और बड़ी दूधी से जानते हैं। इसका कन्नड़ नाम अच्छे घोड़ा और गुजराती में नागला दूधीले कहते हैं। इसे मराठी में मोती नाइटी और उड़िया में चिरसाग से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम थाइम लिव्ड स्पर्म और वैज्ञानिक नाम यूफेरबिया हिरटा है। दोस्तों, ये पौधा अनेक प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर होता है। ये बड़ी दूधी स्वाद में कटु, तिक्त, मधुर, गर्म प्रकृति की और पचने में भारी होती है। इसके अलावा ये कुष्ठ, कृमि, जहर, व्रण और प्रमेह तथा दस्त का नाश करती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, इसका सबसे पहला प्रयोग है गंजे सिर पर बाल उगाने का। अगर किसी के बाल उम्र से पहले झड़ रहे हो, गंजापन का शिकार हो रहे हो, तो ऐसे में दूधी का पूरा पौधा लेकर साफ करके पीस लीजिए और इस दूधी का कल्क बनाए और इसे बालों की जड़ों में रोजाना लगाए। दोस्तों, इसका लंबे समय तक प्रयोग करने से सिर की गंज दूर होती है और नए बाल आने लगते हैं। दोस्तों, इस पौधे के दूध को माथे पर लगाने से सिर दर्द तुरंत मिटता है। ये पौधा दांतों के दर्द में भी बहुत फायदेमंद होता है। अगर दांतों में दर्द की समस्या रहती है तो दूधी के मूल को साफ पानी से लेकर चबाए और कुछ समय तक मुँह में रखे, इससे दांतों का दर्द दूर होता है। दोस्तों, इसका अगला प्रयोग है श्वास और खांसी को दूर करने का। इसके लिए बड़ी दूधी के पौधे को साफ करके इसको पानी में उबालकर क्वाथ बनाए 10 से 20 मिली की मात्रा में और इसे पिलाए। इसके कुछ दिनों तक प्रयोग करने से दमा, खांसी और श्वास मिटते हैं। दोस्तों, इस पौधे को चावलों के साथ पकाकर तेल मिलाकर चावल के साथ खाने से प्रवाहिका यानी पेचिस में अत्यधिक लाभ होता है। दोस्तों, ये पौधा स्त्रियों में होने वाला श्वेत प्रदर यानी सफ़ेद पानी की समस्या में बहुत लाभकारी होता है। श्वेत प्रदर की समस्या में दूधी का 1 से 2 ग्राम पत्रों का कल्क बनाए और इसे शहद में मिलाकर पिलाए। कम से कम 3 से 4 दिनों तक ये प्रयोग करने से सफ़ेद पानी की समस्या मिट जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।